सी आई टी एन आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास की ध्वनि पुस्तक हमारे अतीत भाग तीन आइए अब सुनते हैं अध्याय सात शीर्षक है देशी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना और अब प्रस्तुत है पाठ अध्याय सात देशी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे भारतीयों को शिक्षित सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही एक बॉक्स यहां पर और इसमें एक शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ बताया गया है शब्द है भाषाविद यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है अब सुनते हैं पाठ अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा प्राच्यवाद की परंपरा सन सत्रह तिरासी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे उन्होंने ऑक्सफर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे इसी पृष्ठ इक्यासी पर एक चित्र और इस चित्र में विलियम जोन्स को दिखाया गया है जो फारसी भाषा सीख रहे हैं पृष्ठ संख्या बयासी आइए अब सुनते हैं पाठ कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे कुछ ही समय में उन्होंने कानून दर्शन धर्म राजनीति अंक गणित चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया इसी पृष्ठ पर एक चित्र है और यह चित्र है हेनरी टॉमस कॉलब्रुक का वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे आइए अब सुनते हैं पाठ जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नथैनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने उनकी व्याख्या करने अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं इसी पृष्ठ के नीचे एक बॉक्स और उसमें एक शब्द है उसका अर्थ बताया गया है शब्द है मदरसा मदरसा का अर्थ है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है पृष्ठ संख्या तिरासी इस बात को ध्यान में रखते हुए सत्रह में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया सत्रह में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या तीन पर एक नजर डालते हैं और इसके बारे में वर्णन है वॉर हेंस्टिग्स का स्मारक रिसर्च वेस्ट माकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेंस्टिग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है हेंस्टिग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे वे स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे हेनस्टिग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए पाठ में चलने से पहले यहां इसी पृष्ठ पर नीचे एक बॉक्स और बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी व्याख्या की गई है पहला शब्द है प्राच्यवादी यानी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासक की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे अब आइए सुनते हैं पाठ पूर्व की जघन्य गलतियां 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था थॉमस था। वेबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था मैकोले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी पृष्ठ संख्या चौरासी मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है पाठ में जाने से पहले यहां एक चित्र चित्र संख्या चार और इसमें थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और उनके अध्ययन कक्ष को दिखाया गया है अब आइए सुनते हैं पाठ हम बात कर रहे थे मैकॉले के विषय में आइए आगे उसी पर चर्चा करते हैं गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मेकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान तथा दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेज़ी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियों मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है मैकॉले के मिनट्स या विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगीं पाठ में जाने से पहले यहां एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है ज्ञानियों की भाषा स्रोत संख्या एक अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकोले ने यह कहा था सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आम तौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं और न ही वैज्ञानिक इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद ही नहीं किया जा सकता थॉमस वेबिंगटन मैकोले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स आइए अब सुनते हैं मिनट्स के विषय में चर्चा व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है इस दस्तावेज़ में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे इस दस्तावेज़ में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे पृष्ठ संख्या पचासी पाठ में चलने से पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क स्रोत दो अठारह के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था जिसमें कहा गया था हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं सेवाओं दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है अब आइए सुनते हैं पाठ वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए अठारह में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए अब एक बॉक्स और उस बॉक्स में एक गतिविधि है आइए सुनते हैं हमें क्या गतिविधि करनी है कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं आपने वुड के नीति पत्र या वुड डिस्पैच के बारे में सुना है इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए इसी पृष्ठ संख्या पचासी पर एक चित्र और चित्र संख्या है पांच इसमें उन्नीसवीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय का चित्र दिया गया है पृष्ठ संख्या छियासी पृष्ठ संख्या छियासी में एक बॉक्स है सबसे पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं बॉक्स में लिखा हुआ वर्णन शीर्षक है नैतिक शिक्षा की मांग और इसी बॉक्स में चित्र संख्या छह है जिसका वर्णन इस प्रकार से है स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरी जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की अब आइए सुनते हैं विवरण 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध किया प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए परंतु अठारह के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों व्यवहारों मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है इसी पृष्ठ पर नीचे एक चित्र चित्र संख्या सात और इस चित्र में कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज का चित्र दिखाया गया है पृष्ठ संख्या सत्तासी स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ पाठ में आगे चलने से पहले इसी पृष्ठ पर एक चित्र चित्र संख्या आठ और इस चित्र में एक ग्रामीण पाठशाला का चित्र दिखाया गया है इसके बारे में लिखा हुआ है यह थान्सवा सॉलविन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है थान्सवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है अब आइए सुनते हैं पाठ विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी लगभग 20 लाख से भी ज्यादा थी ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। ये पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी शिक्षा का तरीका काफी लचीला था आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी छपी हुई किताबें नहीं होती थीं पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारिणी या रूटीन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी कुछ पाठशालाएं बरगद की छाया में ही चलती थीं। तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के किसी कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था सभी एक जगह एक साथ बैठते थे अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे पृष्ठ संख्या अट्ठासी आइए सुनते हैं पाठ नई दिनचर्या नए नियम 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया अठारह के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं कंपनी एक नई दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी सवाल है कि इसके लिए क्या किया जा सकता था कंपनी ने क्या कदम उठाए सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया इनमें से प्रत्येक पंडित को चार पांच स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारिणी के अनुसार पढ़ाएं अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें नियमित रूप से कक्षा में आए तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारिणी काफ़ी लचीली होती थी नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता इसी पृष्ठ पर दो बॉक्स और सबसे पहला बॉक्स उसमें कुछ गतिविधियां दी गई हैं गतिविधि संख्या एक कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं अब बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी दूसरी गतिविधि क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50 प्रतिशत बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है एक बॉक्स और इसी पृष्ठ पर और ये चित्र संख्या नौ है जिसमें अरविंदो घोष का चित्र दिया गया है आइए सुनते हैं अरविंदो घोष के बारे में अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और विंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें और आइए अब सुनते हैं पाठ राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें पृष्ठ संख्या नवासी इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय नौ में पढ़ेंगे परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे आइए देखते हैं उनका क्या कहना था सबसे पहले महात्मा गांधी का कथन अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है यह पापपूर्ण है इसने भारतीयों को दास बना दिया है इसने लोगों पर प्रभाव डाला है उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे इसी नवासी पर एक चित्र चित्र संख्या दस और इस चित्र में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली में एक साथ बैठे हुए हैं संख्या नब्बे सबसे पहले एक बॉक्स बॉक्स का शीर्षक है साक्षरता ही शिक्षा नहीं है स्रोत संख्या तीन महात्मा गांधी ने लिखा था शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड बहत्तर पृष्ठ संख्या उनासी और अब सुनते हैं पाठ जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो टैगोर का शांति निकेतन इसके विवरण में जाने से पहले चित्र संख्या 11 पर एक नजर डालते हैं और ये शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है उसका चित्र है ये 1930 के दशक में लिया गया चित्र है आसपास का माहौल देखिए चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है अब पाठ टैगोर का शांति निकेतन आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढते थे वहां उनका दम घुटता था उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें जहां वे मुक्त और रचनाशील हों जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें पृष्ठ संख्या इक्यानवे टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए वह सोचते थे कि बच्चों को अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए शिक्षक कल्पनाशील हो बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी जिसे बाद में शांति निकेतन कहा गया यहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और भी अधिक विकसित कर सकते थे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे उन्होंने शांति निकेतन में कला संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस प्रकार फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके काउन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही इसी पृष्ठ इक्यानवे पर एक चित्र और यह चित्र संख्या बारह है इसमें कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे यह बीसवीं सदी के प्रारंभ का चित्र है 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे पृष्ठ संख्या बानवे एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक अन्यत्र सभ्य करने के लिए शिक्षा 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी इसीलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी स्कूल भी बहुत कम थे ज्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया थॉमस ऑर्नॉल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है हर रोज हम भाषाओं इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं ओरनॉल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है वास्तव में उस काल के ज्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए और उसका मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देशी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा पृष्ठ संख्या बानबे में ही इस समय हमारे लिए करने के लिए कुछ काम और आइए सबसे पहले एक बॉक्स में शीर्षक दिया हुआ है शीर्षक है आइए कल्पना करें कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकौले के बीच चर्चा चल रही है आप ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों क्या क्या कह रहे हैं फिर से याद करें एक यहां दो स्तंभ दिए गए हैं आपको दोनों स्तंभों के बीच में जोड़े बनाने हैं आइए सुनते हैं पहला स्तंभ विलियम जोन्स रविंद्रनाथ टैगोर टॉमस मेकोले महात्मा गांधी पाठशालाएं और अब सुनते हैं दूसरा स्तंभ अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान गुरु प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध पृष्ठ संख्या तिरानवे दो इनमें से सही या गलत बताएं का जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे ख अठारह सौ के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए ग महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है घ रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए आपको बताना है ये चारों बातें सही है या गलत हैं? आइए विचार करें तीन विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था चार जेम्स मिल और टॉमस मेकोले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है पांच महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे छ महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है आइए करके देखें सात अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी आठ अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। यहां सातवां अध्याय समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारे अतीत भाग तीन ध्वनि पाठ्यपुस्तक का सातवां अध्याय शीर्षक था देशी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना वाचन स्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत